हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। टुडे आई केम अप फॉर ऑल द कैंडिडेट हु आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन इन IREL। तो आप लोग IREL का एग्जामिनेशन देने वाले हो, ओके, फाइनेंस का। सो आप लोग जो एग्जामिनेशन देने वाले हो तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, आई विल डिस्कस इन दिस टुडेस वीडियो। ये आज मैं क्वेश्चन पेपर एक लेकर आया हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है NCL का, जो कि NCL एक सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड का, ओके। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो, ये भी इंटरमीडिएट लेवल पे आया था वैकेंसी, ओके। तो CACM इंटरमीडिएट लेवल पे आया था वैकेंसी, तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू सो डैट कि यू ऑल आर अवेयर अबाउट डैट कि आप लोगों का भी क्वेश्चन इसी टाइप का आ सकता है, ओके। क्योंकि आप लोगों का भी जो भी वैकेंसी आया हुआ था, तो आप लोग फॉर्म भरे होंगे, तो आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पे फॉर्म भरे होंगे, ओके। तो ये भी जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, ये NCL का है, ये भी वैकेंसी आया था, तो इंटरमीडिएट लेवल पे ये वैकेंसी आया था और ये एग्जामिनेशन हुआ था, तो इसका क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये भी सोच सकते हो कि आप लोग का जो पेपर होगा, जो आप लोग को जो पेपर होने वाला है, एग्जामिनेशन जो आपको होने वाला है CBT, तो आप लोगों का भी पेपर इसी टाइप का हो सकता है और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इसी टाइप का होगा, ओके। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दिस क्वेश्चन पेपर, मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ओके। आप IREL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो IREL के लिए मैंने MCQ तैयार किया है, वो MCQ आप परचेस कर सकते हो। IREL के लिए आप लोग के लिए मैं MCQ तैयार किया हूँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आप MCQ कैसे परचेस कर सकते हो, मात्र 500 में वो MCQ परचेस कर सकते हो और उससे आप अपना बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल दिया हुआ है, ओके। हाँ, एक बात और, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहता है, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, तो वो होता है नॉमिनल अकाउंट, ओके। तो रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट जो एसेट से रिलेटेड होता है वो रियल अकाउंट में जाता है, पर्सनल अकाउंट मतलब जो भी नेम ऑफ द पर्सन से रिलेटेड होता है वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। तो हमें पूछा था क्वेश्चन कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ पे जाता है, मतलब वो कहाँ पे जाता है, मतलब वो कौन सा होता है, तो होता है नॉमिनल अकाउंट, ओके। तो फर्स्ट का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट होता है वहां पे EOQ होता है, ओके। सो एक CAS 6 है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट है, उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एट द EOQ लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द अमाउंट लेइंग इन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व व्हिच इज नो लॉन्गर नेसेसरी टू बी रिटेन्ड शुड बी ट्रांसफर टू, कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व में, ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व में, ओके। क्वेश्चन आपको ये भी बन सकता है कि जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो बनता है वो कितना परसेंट बनाना पड़ता है, तो 25% बनाना पड़ता है ऑफ फेस वैल्यू का, ओके। सो अगर वैसा क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी बन सकता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना परसेंट बनाया जाता है, तो 25% ऑफ द फेस वैल्यू बनाया जाता है, ओके, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, तो एक ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व में, ट्रांसफर किया जाता है, ओके, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, जो कि ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ओके। सो क्वेश्चन क्या था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इसमें कौन नहीं है, ओके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अनसर्टेनिटी एंड फ्यूचरिटी ऑफ द इवेंट इट इज नॉट ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टेड वाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 1, इनकम टैक्स का क्वेश्चन पूछा है, असेसमेंट का पूछा है, वहां से
पूछा था कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टेड व्हाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न, तो ये होता है अरिथमेटिकल एरर इन द रिटर्न को आप प्रोसेस करते हैं, ठीक है, एनी अरिथमेटिकल एरर इन द रिटर्न। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या बोलता है, द फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क, फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क क्या है, इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है ए फैसिलिटेटिंग करता है रजिस्ट्रेशन, ए फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट को अथॉरिटी भी करता है, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी भी करता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्या बोलता है, ए रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विद पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट, तो फ्यूचर प्रॉफिट कौन सा जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, और वैसे बात है इसका आंसर एसेट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्या बोलता है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीट हो गया है एंड नोट एट सर्टिफाइड, वर्क कंप्लीट हो गया बट सर्टिफाइड नहीं हुआ, तो कहां पे उसको शो करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से पूछा गया क्वेश्चन से क्वेश्चन है, तो ये कहां पे शो करेगा, तो यहां पे वर्क कंप्लीट हो गया पर इसको अभी तक सर्टिफाइड नहीं किया है, तो जब तक सर्टिफाइड नहीं होता है तब तक उसको कंप्लीटेड वर्क नहीं माना जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड वर्क, यहाँ पे कंप्लीटेड वर्क लिखा हुआ है, तो बोला है कि नोट सर्टिफाइड नहीं हुआ तो कंप्लीटेड नहीं माना जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, एट कॉस्ट अंडर WIP अकाउंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है, इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री स्टॉक को बोला जाता है, तो इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। इसी तरह का क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेगा IREL में। ओके, इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा IREL में, आप मेरा MCQ परचेस कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल दिया हुआ है IREL का, के लिए मैंने स्पेशल MCQ बनाया, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल दिया हुआ है, मात्र 500 में वो MCQ आप परचेस कर लीजिए, उससे आप अपना प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोलता है, वेयर हाउस एक्सपेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या चीज का एग्जाम्पल है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। ओके, सो इसी तरह का पेपर आपका भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्योंकि ये भी अभी लोगों का लेवल का एक एग्जामिनेशन हुआ था, तो इसी तरह का आप लोग का भी एग्जामिनेशन का पेपर आ सकता है। ओके, तो आप इसी पेपर को देखिए और आप अपना एनालाइज करिए किस टाइप का पेपर है, पेपर बहुत ही इजी आता है, इतना कुछ हार्ड नहीं आता है, पर आपको सारा सिलेबस को कवर अप करना होता है, ठीक है, तो आपको सारा सिलेबस अगर तुरंत कवर अप करना है तो आप मेरा MCQ परचेस कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप MCQ परचेस करिए, आपको 2 से 3-4 दिन में आप पूरा कवर अप कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा से मैं एनालिसिस करके वो MCQ बनाए हूं आप लोग के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें से बिल ऑफ द एक्सचेंज क्या है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या बिल ऑफ द एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, एन ऑर्डर इश्यूड बाय ए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंजीनियर ऑन गवर्नमेंट ट्रेजरी फॉर पेमेंट टू ऑर्डर फॉर सर्टेन पर्सन, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ओके, तो भी देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक देखिए मैं आपको ये बता दूं, एक डेटर होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, डेटर क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अगर किसी को आप उधार में बेच रहे हो तो आपके लिए डेटर है, समझे, आप किसी को उधार में बेच रहे हो तो वो आपके लिए डेटर है, वही अगर आप उधार किसी को बेच रहे हो और उधार में उसको भी बेच रहे हो पर उसे आप लिखवा लिए कि तुम कितना दिन में पेमेंट करोगे, तो लिख करके दे दिया कि जितना दिन में पेमेंट करेगा, वो अपना साइन वगैरह कर दिया कि कितना दिन में वो आपको पेमेंट करेगा। ओके, तो वो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज और डेटर में आपको डिफरेंस हो गया, डेटर मतलब आप किसी को उधार बेचे तो डेटर है, वही डेटर को अगर आप साइन करवा लिया कि बताओ तुम कितना दिन में रिपेमेंट करेगा, ओके, तो वो होता है बिल ऑफ द एक्सचेंज। ओके, तो पूछा था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये इसमें से सारा है बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट और एन ऑर्डर इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंजीनियर ऑन गवर्नमेंट ट्रेजरी फॉर पेमेंट और पेमेंट टू और ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, तो क्वेश्चन नंबर 11 को जाएगा ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, बीच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो वो है आर्टिकल 279A। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल को बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, ICDS का क्वेश्चन है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड आर टू बी अप्लाइड इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड, ICDS कहां पे एप्लीकेबल होता है, ICDS एप्लीकेबल होता है PGBP और अदर सोर्सेस में, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, PGBP प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, क्या देखिए यहां पे कंटिजेंट लायबिलिटी वुड अपीयर, कंटिजेंट लायबिलिटी कहां पे अपीयर करता है, तो ऑब्वियस बात है आप बच्चे से पढ़ रहे होगे, छोटे से पढ़ रहे होगे, जब आप
पढ़ाई करना स्टार्ट किया होगा, कुमार सुचित आप सुने होंगे कि जो कंटिजेंट लायबिलिटी होता है वो नोट्स इन बैलेंस शीट में शो करता है, कंटिजेंट लायबिलिटी वुड अपीयर एज ए नोट इन बैलेंस शीट। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से कौन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है प्रॉफिट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जनरली क्या होता है, क्या क्या आता है, पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो आता है, ठीक है। पर यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो दिया नहीं है, फंड फ्लो दिया है, तो फंड फ्लो भी आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ट्रायल बैलेंस सबसे सुटेबल आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोलता है, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कंटिन्यूड, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कंटिन्यूड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टर्म, जब एक फिक्स टर्म बनाया गया था उसके बाद भी एक पार्टनरशिप अगर कंटिन्यू कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। ओके, ऑब्वियस बात है ना, एक पार्टनरशिप बनाया गया था कि फिक्स टर्म के लिए, पर उसके बाद भी पार्टनर लोग अपने मिल करके उसके बाद भी वो एक्सटेंड कर रहे हैं, वो चला रहे हैं पार्टनरशिप, तो उसको पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन 17 क्या बोलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और वो कवर नहीं है 111A में, तो वो कैसे टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, वो टैक्सेबल होगा एट नॉर्मल रेट। ओके, वो टैक्सेबल होगा एट नॉर्मल रेट एप्लीकेबल टू द एसएससी। ओके, सो देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर कवर नहीं है 111A में तो वो टैक्सेबल होगा एट नॉर्मल रेट, पर अगर वो कवर होगा 111A में तो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 15% के हिसाब से, ठीक है। पर वो कवर नहीं है 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो वो टैक्सेबल होगा टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट एप्लीकेबल टू द एसएससी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, 18 बोल रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 क्या बोलता है, वो बोलता है ट्रांजेक्शन वैल्यू, ट्रांजेक्शन वैल्यू बोलता है। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जीएसटी पढ़े होंगे तो सेक्शन 15 में ट्रांजेक्शन वैल्यू के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या बोलता है, जॉन ड्रॉ ए बिल ऑन श्याम फॉर रुपीज 7000, जॉन इंडोर्स इज टू राम, राम इंडोर्स इज टू रहीम, द पेई ऑफ द बिल इज, द पेई कौन है, इसमें पेई रहीम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज, डिफरेंस वो पूछ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट के बीच में, तो डिफरेंस को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वेरियंस। ओके, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कॉल्ड वेरियंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 80GGA, तो कितना परसेंट डिडक्शन मिलता है 80GGA में, तो वो मिलता है 100% ऑफ सच डोनेशन, 100% ऑफ सच डोनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, द मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एन LLP, मिनिमम कितना नंबर ऑफ पार्टनर होना चाहिए, मिनिमम कितना नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए LLP में, तो मिनिमम होना चाहिए 2 पार्टनर। ओके, मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, कौन सा एरर है जो कि ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता है, तो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर कोई भी डिस्क्लोज नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोलता है, 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, फॉर ए कंपोजिशन टैक्स पेयर, टैक्स कंपोजिशन टैक्स पेयर के हिसाब से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कंपोजिशन होता क्या है, कंपोजिशन होता क्या है, जैसे जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, तो वो छोटे बिजनेसमैन होते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलीफ दिया कि आप लोगों का अगर टर्नओवर कम है तो आप लोगों को ऑडिट ऑडिट वगैरह ये सब कराने का दरकार नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों नहीं अकाउंट उन लोगों को नहीं ऑडिट करवाना है, नहीं अकाउंट्स मेंटेन करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब अगर करने जाएंगे तो उनको इस पे भी एक्सपेंसेस आता है। ओके, तो इन लोगों के लिए कुछ छूट दिया है गवर्नमेंट ने। तो कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन में कौन कौन लोग आते हैं, जिसका टर्नओवर पूरे सालों में 1.5 करोड़ से कम है तो वो कंपोजिशन के अंदर आते हैं, वो कंपोजिशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कंपोजिशन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और वो टैक्स इनवॉइस के जगह पे वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टेट ऐसा है इंडिया में जिसको कि 25 लाख का क्राइटेरिया में रखा गया है, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम,
सो ये सब कुछ ऐसा स्टेट है जिसको 75 लाख के क्राइटेरिया में रखा गया है. ओके सो जो मैं बताया अभी 75 लाख कुछ ऐसा स्टेट है, पर मोस्ट ऑफ द स्टेट के लिए 1.5 करोड़ रुपीस रखा गया. अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे रहता है तो वो कंपोजिशन के अंदर आता है. ओके कंपोजिशन के अंदर का बात किया जाए तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, बहुत सारे पीएससी का पेपर में देखा उसमें क्या था कि पूछ दिया था कि जो कंपोजिशन का जो रेट लगता है ना टैक्स का वो कितना लगता है. तो देखिए नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं ना तो उनका जो टैक्स होता है सीजीएसटी का 0.5% होता है, पर मिस्टेकली बहुत सारे कैंडिडेट के लिए पूछ देता है एग्जामिनेशन में इतना, तो बहुत सारे कैंडिडेट टिक मार देते हैं 1%. तो 1% टिक नहीं होगा वहां पे, वहां पे टिक होगा 0.5%, जहां पे टिक होगा 0.5%. ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, 0.5% सीजीएसटी है, 0.5% एसजीएसटी है. ओके तो ये सब चीजों आप ध्यान में रखिएगा. और अगर रेस्टोरेंट का यहाँ पे टैक्स का बात किया जाए तो 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी. ओके तो ये सब आप ध्यान में रख करके आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा केयरफुली एग्जामिनेशन में. ओके तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए कंपोजिशन टैक्स पेयर. कंपोजिशन टैक्स पेयर के हिसाब से इसमें से कौन है जो कि ट्रू है. तो एक कंपोजिशन टैक्स पेयर कैन अवेल 50, एक कंपोजिशन इसको कोई आईटी से नहीं मिलता है, सो कोई आईटी से नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता. ए कंपोजिशन टैक्स पेयर कैन अवेल 100% इसमें नहीं मिलेगा. आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल ऑन इनवर्ड सप्लाई मेड बाय द कंपोजिशन टैक्स पेयर. इसको कुछ भी आईटीसी नहीं मिलता है कंपोजिशन वाले को. ओके क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 क्या बोलता है. ए कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ए कैश फ्लो फ्रॉम. कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को डिस्पोजल किया उसे कैश रिसीट हुआ, तो कौन सा एक्टिविटी के अंदर आएगा, वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा. ओके क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है. पीवी रेशियो विल इंक्रीज, पीवी रेशियो अगर बढ़ रहा है तो क्या घटेगा, क्या होगा. तो पीवी रेशियो अगर बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट है जो कि रिड्यूस करता है, मतलब डिक्रीज करता है. देयर इज ए डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ओके क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 क्या बोलता है. इनकम ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A इज, वो एग्जेम्प्टेड होता है, वो एग्जेम्प्टेड होता है. ओके क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोलता है. ए पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म बट ही मे लायबल फॉर फर्म डेट एज इफ ही वाज ए पार्टनर, सच ए पर्सन इज नोन एज, सच ए पर्सन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनर बाय इस्टोपेल, पार्टनर बाय इस्टोपेल. ओके सो आप देख रहे हो ना कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. तो आप लोग के लिए मैंने बहुत ही स्पेशल सा एमसीक्यू बनाया, वो एमसीक्यू अगर आपको परचेस करना है स्पेशल फॉर आईआरईएल के लिए मैंने एमसीक्यू बनाया है. आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप एमसीक्यू परचेस करिए और आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए. ठीक है, आप आईआरईएल के लिए एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, कुछ ही दिनों में आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल दिया हुआ है, मात्र 500 में वो एमसीक्यू आप परचेस कर सकते हो. ठीक है, 29 देखिए क्या बोलता है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. 29 देखिए क्या बोलता है. Which of the following share premium account may be applied. Share premium account कहाँ पे applied होता है. Okay. तो वो यू होता है issue of fully paid bonus share to the member. Okay. Issue of fully paid bonus share to the member of the company. Writing of preliminary expenses of the company. Writing of expenses of the commission paid or discount allowed on any issue or share debenture of the company. तो इसका आंसर all of the above हो जाएगा. ओके डी देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए. ओके क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि रोहन टॉयज इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर है. रोहन टॉयज इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स है, इन दिल्ली में रजिस्टर्ड सप्लायर है. ओके इट इंटेंड टू अटेंड ए 7 days बिजनेस फेयर. वो इंटेंड किया कि 7 days बिजनेस फेयर ऑर्गेनाइज मुंबई में होने वाला नेक्स्ट मंथ. वेयर इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड प्लेस, वहां पे उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है. एग्जामिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रोहन टॉयज. अगर उसके पास फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है मुंबई में तो उसको वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ओके तो रोहन टॉयज के पास अगर नहीं है रजिस्ट्रेशन मुंबई का तो उसको वहां पे अगर वो कुछ दिनों के लिए अगर करना चाहता है बिजनेस तो वहां पे वो एज ए सीटीपी का वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सीटीपी. ओके इसमें क्या होता है ना कि उसको उसको क्या होता है कि वो जिस दिन वो वहां पे जाके बिजनेस करेगा उस दिन से 5 दिन पहले ही उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. और वो रजिस्ट्रेशन अगर बोले लेता है जैसे सीटीपी का जो टैक्सेबल पर्सन तो वो 90 डेज तक वो वहां पे बिजनेस कर सकता है.
ठीक है, 90 डेज तक अगर उसके बाद भी उसको करना है तो 90 डेज और एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रोहन टॉयस, क्या हो सकता है यहाँ पे, इस यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो होता है क्या होता है सीटीपी और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया हूं, आप यहाँ पे आंसर आप देखिए क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है। रोहन टॉयस इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रोहन टॉयस हैज टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन एज ए सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फॉर अटेंडिंग द बिजनेस फेयर, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 क्या बोलता है, AS9 किससे रिलेटेड है, AS9 रिलेटेड है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS9 इज रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, डील्स विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड, ओवरहेड का जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है CAS 3 है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 क्या बोलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर एसटीटी पेड किया, उसमें एसटीटी पेड किया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एसटीटी पेड किया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स, तो अगर एसटीटी अगर पेड किया है तो यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 15% यहाँ पे टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर एसटीटी नहीं होता है ना तो वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो नॉर्मल टैक्सेबल रेट से होता है, अगर एसटीटी पेड किया तो वहाँ पे 15% का टैक्स लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोलता है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज ड्रॉन एक्सेप्टेड और इंडोर्स्ड विदाउट कंसीडरेशन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। ओके, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 क्या बोलता है, एज पर शेड्यूल थ्री करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग शुड बी सोन अंडर, तो ओ सोन करते हैं करंट लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। ओके, उसको सोन करते हैं करंट लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या बोलता है, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस शैल बी इश्यूड विदिन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, इनवॉइस शैल बी इश्यूड विदिन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या बोलता है, 37 डेल क्रेडिटरी कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी, डेल क्रेडिटरी कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी फॉर अंडरटेकिंग रिस्क और बैड डेट। ओके, फॉर अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट के लिए। ओके, 38 देखिए, 38 क्या बोलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन किया हुआ है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिहेवियर वाइज। ओके, 39 देखिए क्या बोलता है, इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रेट नोटिफाइड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोलता है, कैश इज विड्रॉन बाय ए कस्टमर ऑफ ए बैंक फ्रॉम ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम से, तो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है टैक्सीट कॉन्ट्रैक्ट का, वो एग्जांपल है टैक्सीट कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या बोलता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट कैन बी अमोर्टाइज्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, 5% होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। ठीक है, क्वेश्चन 42 देखिए क्या बोलता है, बीच ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक लेजर आर मेंटेन ऑनलाइन, अरे ऑनलाइन तो सब मेंटेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर और कैश लेजर भी, तो ऑल ऑफ द एबव। 43 देखिए क्या बोलता है, जीटी ज्वेलर्स लिमिटेड पे कर रहा 50 लाख फॉर स्पॉन्सरशिप टू मिस इंडिया ब्यूटी पेगेंट इन मुंबई स्टाइलिश पार्टनरशिप फॉर्म है, जीएसटी इज पेड बाई, तो एक रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा, तो ये पेड करेगा जीटी ज्वेलर्स लिमिटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 क्या बोलता है, CS21 stands for ये होता है क्वालिटी कंट्रोल होता है CS21, पर यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल दिया नहीं है तो ये हो जाएगा नन ऑफ द एबव। 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, फॉर्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड बाय द कंपनी, फॉर्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड बाय द कंपनी, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होता है CRA 1 में। ओके, 46 देखिए, 46 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST का ITC से SGST और UTGST नहीं होता है, उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन 46 का भी हो जाएगा।
47 देखिए क्या बोलता है, फर्स्ट ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल। फर्स्ट ड्यू डेट क्या होता है एडवांस टैक्स पेमेंट करने का, वो होता है 15 जून। ओके 15 जून फर्स्ट ड्यू डेट होता है 15 जून। फिर क्या होता है 15 जून सितंबर दिसंबर मार्च, तो 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर 15 मार्च। ओके तो फर्स्ट ड्यू डेट पूछा तो 15 जून होता है, ठीक है। फर्स्ट ड्यू डेट पूछा, फर्स्ट ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल, तो 15 जून हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 क्या बोलता है, एसए 300 स्टैंड फॉर, एसए 300 क्या बोलता है, एसए 300 ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग बोलता है, ठीक है, ऑडिट प्लानिंग। फोर्टी नाइन देखिए क्या बोलता है, ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन रिविजन ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, द एरियर ऑफ सैलरी रिलेटिंग टू पास्ट ईयर पेएबल इन करेंट ईयर, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी आइटम रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। फिफ्टी देखिए क्या बोलता है, मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म्ड बाय, ये होता है जॉब कॉस्टिंग। 51 देखिए क्या बोलता है, इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर अंडर डायरेक्ट मेथड के हिसाब से प्रिपेयर करते, तो अगर करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज करता है, तो अगर करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो मतलब आप पेमेंट कर रहे हो करंट लायबिलिटी को, ठीक है, आप पेमेंट कर रहे हो करंट लायबिलिटी को, ठीक है, तभी तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज करता है। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आउटफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो हो रहा है तो वो डिडक्ट होगा, ठीक है, तो डिडक्ट टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके तो 51 का हो जाएगा बी। 52 क्या बोलता है, एन ऑडिट कमिटी शुड हैव मिनिमम, ऑडिट कमिटी में मिनिमम कितना नंबर ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, ऑडिट कमिटी में मिनिमम 3 नंबर ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, तो 52 का हो जाएगा बी। 53 देखिए क्या बोलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशन। ओके तो 53 का हो जाएगा सी। एंड अब 54 देखिए, 54 क्या बोलता है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर, कितना सालों तक अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, तो किया जाता है एनी नंबर ऑफ ईयर्स। ओके 55 देखिए, 55 क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किसके लिए यूज किया नहीं जाता है, तो इंटरिम डिविडेंड इससे पेमेंट नहीं किया जाता है। ओके तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैनोट बी यूज टू पे इंटरिम डिविडेंड। ओके 56 देखिए क्या बोलता है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, देखिए पूरा आपको ये सम्स दिया हुआ, इसका आंसर आपको सी होगा, आप इसको आराम से सोल्व करके आराम से इसको आप अपना पेपर कॉपी पे अपना आराम से सोल्व करिएगा, ठीक है, इसका मैं आंसर बता दिया हूं, इसको 56 का हो जाएगा सी। 57 देखिए, 57 का क्या होगा, 57 का हो जाएगा, 57 का क्वेश्चन क्या बोलता है, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाता है, बनाया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसी तरह से इसी के लिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाता है, फिर कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट अकाउंटिंग, ताकि डिसीजन बढ़िया ले, ताकि कॉस्ट रिडक्शन हो सके, ठीक है। क्वेश्चन 58 देखिए, 58 का क्या बोल रहा है, अनपेड डिविडेंड स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन फंड, तो कितने साल में ट्रांसफर किया जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन फंड, तो 7 साल में किया जाता है, 7 ईयर ऑफ इट्स रिमेनिंग अनपेड। ओके 59 देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ GSTR1, GSTR1 का क्या है ड्यू डेट, तो है ऑन और बिफोर 10th ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ। ओके 59 का ए। 60 क्या बोल रहा है, 60 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कंपनसेशन टू अ स्टेट अंडर GST इज पेड बाय, ओके तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम GST कंपनसेशन फंड ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम GST कंपनसेशन फंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 क्या बोलता है, द बिल ऑफ एंट्री व्हिच इज यूज्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन के लिए, तो होता है ग्रीन बिल ऑफ एंट्री। ओके क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या बोलता है, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर इज कवर्ड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कौन सा सेक्शन में रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर को कवर किया गया है, तो वो है सेक्शन 142, ठीक है। 63 क्या बोलता है,
सेक्रेटेरियल ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 250 करोड़, 250 करोड़ होता है वहां पे सेक्रेटेरियल ऑडिट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर, इसमें कैपिटल नेचर कौन है, तो अगर आप इंस्टॉलेशन करवाते हो मशीनरी को तो वो कैपिटल नेचर के अंदर आता है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एज पर सेक्शन 60 इनकम इज क्लबड, इनकम कब क्लब किया जाता है, हाँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी, इनकम इज ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट यील्डिंग इनकम, ओके। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या बोलता है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर 35AD कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम, जो 35AD के अंदर अगर लॉस होता है ना वो एडजस्ट भी होता है 35 मतलब जो स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर ही, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर 35AD कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम ऑफ इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 67 क्या बोलता है, कैपिटल प्रॉफिट राइजेस फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कैपिटल प्रॉफिट कहां से राइज होता है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रॉफिट मेड ऑन इश्यू ऑफ प्रॉफिटेड शेयर, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए, मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इज, मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस है डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन, डिटरमाइन द प्रॉफिट लॉस ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन, ओके। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या बोलता है, ए नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी शुड हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर, एनआरसी में नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या बोलता है, मिस्टर टी ए थीप हैज स्टोलन ए मोटरबाइक एंड सेल द मोटरबाइक टू क्यू, इट इज इलीगल टू सेल ए मोटरबाइक, सेल ऑफ मोटरबाइक इज कंसीडर, अगर मोटरबाइक अगर सेल कर रहा है तो सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई एंड लेबल टू बी टैक्स, ऑब्वियस बात उसको टैक्स देना पड़ेगा, ओके। तो आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन आपको भी देखने को मिल सकता है, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे एट द ईओक्यू, एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, द लेवल ऑफ इकोनॉमिक, द फ्लोइंग इज टू द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, मतलब इतना इकोनॉमिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो आप देख रहे हो कितना मतलब कितना इजी टाइप क्वेश्चन पूछता है, पर बस आपको बस क्या करना है कि बस ये क्वेश्चन पेपर को देखना है, आपको देखना है कि देखिए पेपर कैसा आता है, ठीक है। ए भी इंटरमीडिएट लेवल पे ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, तो आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करिए, आपको प्रिपरेशन करना है बेहतर, तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, मेरा एमसीक्यू परचेस आप कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल दिया हुआ है, वो एमसीक्यू आप मात्र 500 में परचेस कर सकते हो, मात्र 500 में वो एमसीक्यू परचेस करिए और आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल लगा होगा, तो हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। सो आप वीडियो यहाँ तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। सो थैंक यू।